नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है मोनी और हमारी कहानी के पात्र हैं काजल, माधव और मोनी। एक दिन काजल और माधव खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें कों कों की आवाज सुनाई दी। काजल को वहां कोने में एक पिल्ला दिखाई दिया। पिल्ले को कई जगह चोट लगी हुई थी। माधव ने पिल्ले को प्यार से सहलाया। पिल्ले की चोटों से बहुत खून बह रहा था। काजल दवाई लाने घर गई। माधव पिल्ले को प्यार से सहलाता रहा। काजल और माधव ने मिलकर पिल्ले के घाव साफ किए, फिर उसके घावों पर पट्टी बांधी। माधव पिल्ले के लिए घर से थोड़ा दूध लाया। उसने पिल्ले को रुई से धीरे धीरे दूध पिलाया। काजल और माधव रोज पिल्ले को देखने जाने लगे। उन्होंने उसका नाम मोनी रख दिया। काजल रोज मोनी के लिए एक रोटी बनवाती थी। माधव रोज मोनी को अपने गिलास में से दूध देता था। मोनी अब ठीक होने लगी थी। वह खड़ी होकर खुद दूध पीने लगी। दोनों मिलकर मोनी की पट्टी हर दूसरे दिन बदलते थे। काजल और माधव उसके घाव भी साफ करते थे। मोनी अब काफी ठीक हो गई थी। वह दौड़ने भागने लगी थी। मोनी काजल और माधव के पीछे पीछे भागती थी। वह उनके साथ खेलती थी। माधव नीचे बैठता तो मोनी उसकी गोदी में चढ़ जाती। मोनी को काजल और माधव की गोदी बड़ी पसंद थी। मोनी ने उनके घर का रास्ता भी देख लिया था। मोनी खुद ही काजल और माधव से मिलने आ जाती थी। मोनी अब काजल और माधव की दोस्त बन गई थी। वह उनको स्कूल छोड़ने भी जाती थी। तो देखा बच्चों, आपने इस कहानी में माधव और काजल ने एक छोटे से पिल्ले की किस तरह मदद की और फिर वह उनका मित्र बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।